सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनिश्विंद्र स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई यूजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले भगवान वेणुबिंद के चरणों में नमन करते हुए जय बिंदराज का नारा लगाते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, प्रॉपर लाइट नहीं है क्योंकि अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं और मुझको समय भी नहीं मिल पाता है। इस वीडियो को शूट करने के बाद अपलोड करने का भी समय नहीं मिलेगा, तुरंत कोचिंग के लिए निकलना पड़ेगा और शाम को भी आते हैं तो शाम हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, प्रॉपर लाइट नहीं रहती है, इसलिए वीडियो को शूट नहीं कर पाता हूँ। संडे को समय मिलता है, वो भी थोड़ा सा समय इधर उधर में ख़त्म हो जाता है, वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाता है, इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो आपको एक ज़रूरी सूचना दे दें साथियों कि आपको अपने पूर्वजों के मान सम्मान प्रतिष्ठा को बचाए रखना है, अपने कुल की देवी देवताओं को आगे जो आकर के पूजन अर्चन वंदन करना है, क्योंकि जितने भी मूलवासी शक्तिशाली प्रतापी राजा थे, भले ही वे ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, लेकिन अपने पूर्वजों की, अपने कुल देवी देवताओं की पूजन करते थे, इसलिए वे शक्तिशाली थे, समृद्धशाली थे, वैभवशाली थे। तो इसलिए आप लोगों को 1 सितंबर को चलना है मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में बिंद समाज के कुल की देवी माता विंध्यवासिनी की जयंती मनाने, जिसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं और आप सब अपने भाई बंधु साथियों के साथ, अपने बच्चों के साथ जरूर आएं और इस पावन पवित्र माता के आंचल में आकर के माता का दर्शन करें, उनका सौभाग्य प्राप्त करें और माता विंध्यवासिनी की जयंती को, इस भव्य कार्यक्रम को सफल बनाएं। साथियों, आप सबको आना है बड़ी से बड़ी भीड़ में आकर के अपने कुल की देवी माता जगत जननी विंध्यवासिनी को याद करते हुए बिंद समाज का गौरव मान सम्मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए आपको जरूर आना है। तो याद रहे, भूलना नहीं है, 1 सितंबर को आप सब सादर आमंत्रित हैं। जय बिंदराज, जय माँ भवानी, हर हर महादेव।